नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। सीबीआई विवाद में आलोक वर्मा के वकील बोले, सीवीसी को निदेशक पर आदेश जारी का अधिकार नहीं। किसानों का रामलीला मैदान में पहुंचना शुरू, कल करेंगे संसद भवन की ओर मार्च। हरियाणा के 13 जिलों में अब नहीं चलेंगी डीजल पेट्रोल की 6 लाख पुरानी गाड़ियां। हाशिमपुरा नरसंहार में यूपी पुलिस के एसएचओ समेत 11 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। वाराणसी में कॉलेज की मान्यता को लेकर नर्सिंग छात्रों ने किया प्रदर्शन, डॉक्टर ने जबरन हटाने का किया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार के आरोप पर सीवीसी की ओर से दायर रिपोर्ट पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील फली नरीमन और स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना की तरफ से मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। बहस के दौरान नरीमन ने कहा कि काम छीनने से पहले नियुक्ति कमेटी से चर्चा नहीं की गई, न ही कोर्ट से इजाजत ली गई, जिसने विनीत नारायण का फैसला सुनाया था। नरीमन ने कहा कि वर्मा से निदेशक का काम छीनना गैरकानूनी है। वहीं विपक्षी नेता के तौर पर नियुक्त कमेटी के सदस्य मल्लिका अर्जुन खड़के की याचिका पर उनके वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की हैं। सिब्बल ने कहा कि सीवीसी और सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, आदेश गैरकानूनी है। कर्ज माफी सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली में होने वाले 2 दिवसीय आंदोलन में देश भर के किसान रामलीला मैदान में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों का मुक्ति मार्च के तहत बृहस्पतिवार शाम तक सभी किसान रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे और फिर शुक्रवार सुबह रामलीला मैदान से संसद भवन की ओर मार्च करेंगे। आपको बता दें, पहले कहा जा रहा था कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, लेकिन यहाँ पर 1000 किसानों के ही इकट्ठा होने की इजाजत है। संख्या अधिक होने पर इन्हें रामलीला मैदान की ओर रुख करना होगा और ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में भी पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को ऐसी 6 लाख गाड़ियों की सूची जारी कर दी है जो सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। इनमें सबसे अधिक गाड़ियां गुरुग्राम की हैं। आपको बता दें, सीपीसीबी ने प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों पर एनसीआर में लगाम लगाने की पूरी एक पुख्ता तैयारी कर ली है। आपको बता दें, पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में चलने पर रोक है। सीपीसी ने हरियाणा नंबर की इन्हीं गाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मार्क, सीरीज अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और वो एनसीआर के किस शहर में चल रही है, इस सब की पूरी जानकारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए हाशिमपुरा नरसंहार के मामले में गाजियाबाद के एसएचओ समेत 11 के खिलाफ दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सभी को बृहस्पतिवार को सरेंडर करना था, जिसमें से अब तक सिर्फ 4 लोगों ने ही सरेंडर किया है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान इस पर नाराजगी जताते हुए बाकी बचे 11 दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसमें गाजियाबाद के एसएचओ भी शामिल हैं। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी को इस मामले में आगामी 5 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया है। आईएनएससी में रजिस्ट्रेशन न होने से नाराज आईएमएस नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गुरुवार सुबह बीएचयू का गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट परिसर के अंदर रोड जाम करके बैठ गए हैं। बीएचयू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे स्टूडेंट को रोकने की पहुंची चीफ प्रॉक्टर रोयना ने फोर्स के साथ कुछ छात्राओं को जबरन उठाने लगी। छात्राओं ने से उनकी झड़प भी हुई। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आईएमएस नर्सिंग कॉलेज में करीब 250 छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज को नर्सिंग की मान्यता नहीं मिली है। छात्रों का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन उनकी डिग्री का मान्यता नहीं होगी। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान दौरे में फिर से विवादों में हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकी गोपाल सिंह चावला के साथ सिद्धू नजर आए हैं। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड चावला ने ये फोटो खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के करतारपुर में कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह में भाग लेने वहां गए थे। बुधवार को इस समारोह में खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला के भी नजर आने से विवाद पैदा हो गया है।
गोपाल सिंह चावला के नाम से बने फेसबुक अकाउंट पर डाली गई फोटो में सिद्धू के साथ चावला नजर आ रही हैं। इसमें चावला के हवाले से लिखा गया है कि विद सिद्धू पाजी। वहीं अभी तक सिद्धू की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है और इस फोटो की सत्यता के बारे में भी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आईटीओ स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से खुद कर आत्महत्या कर ली है। बृहस्पतिवार सुबह शव इमारत के प्रवेश द्वार पर मिला। जान गंवाने वाले एसीपी का नाम प्रेम बल्लभ है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेम बल्लभ ने आईटीओ स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत की 10वीं मंजिल से कूद कर अपनी जान दी है। मृतक प्रेम बल्लभ के पास से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई बयान भी जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जेल से कैदियों का शराब पीते हुए और असलाह रखे हुए वीडियो वायरल होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने 7 जेल अधीक्षकों, 4 जेलर और 1 डिप्टी जेलर का तबादला कर दिया है। ट्रांसफर का आदेश प्रमुख सचिव कारागार की तरफ से जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक मुरादाबाद के वरिष्ठ अधीक्षक SHM रिजवी को केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ का वरिष्ठ अधीक्षक बनाया गया है। कारागार मुख्यालय से अटैच उमेश सिंह को मुरादाबाद का जेल अधीक्षक बनाया गया है। बदायूं जिला कारागार में तैनात अधीक्षक के पी त्रिपाठी को कारागार मुख्यालय का अधीक्षक बनाया गया है। इस तरह से कुल 12 लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिलों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने, मॉनिटर करने और संदिग्ध चीजों के प्रवेश पर कंट्रोल करने के लिए एक नई तकनीक भी जल्द लागू होने जा रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।